दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे ऐतिहासिक एवं विशाल गंगा मेले तिगरी धाम में। यहाँ सामने ही गंगा नदी के उस पार एक दूसरा मेला भी लगता है जो गढ़गंगा के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। यह मेला काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी सालों से यह मेला यहाँ गंगा नदी के किनारे ऐसे ही लगता रहा है। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं एवं पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। आज हम रात्रि में इस गंगा मेले में आए हैं और इस समय रात्रि के लगभग 11 बजे हैं। चारों ओर दुकानें लगी हैं और श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं और इस समय रात्रि में यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है और काफ़ी ठंड भी है। तो आइए देखते हैं आज तिगरी धाम को और यहाँ की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। चारों ओर खेल खिलौने की दुकानें लगी हैं। इस मेले से हजारों लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है। यहाँ कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई फेस मास्क बेच रहा है, तो कोई अलग अलग तरह की आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्रों को बेच रहा है। मेले में आए श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में स्काउट गाइड, डॉक्टर्स, पुलिस आदि विभागों की ड्यूटी लगाई गई है। इस मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, अमरोहा आदि जिलों से लोग आकर गंगा जी के किनारे तंबू बनाकर रहते हैं, मस्ती करते हैं, झूले झूलते हैं, रागनी सुनते हैं और खूब खरीदारी करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में यहाँ लोग कुछ दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। समय के साथ साथ इस मेले की प्रसिद्धि भी बढ़ी है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी। मेला प्रशासन के अनुमान के अनुसार इस साल लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा जी में स्नान किया है। इस मेले में दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं से लेकर आधुनिक उपभोग की सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। बच्चे, युवा और महिलाएं साल भर इस मेले की प्रतीक्षा करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले इस मेले में खूब मौज मस्ती करते हैं। इस मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदार भी खूब बिक्री करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। यहाँ खाने पीने की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं। इसके साथ साथ कपड़ों की मूर्ति, क्रोकरी, चीनी मिट्टी के बर्तन, ढोलक, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की एवं बच्चों के खेल खिलौने की दुकानें भी लगी हैं। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय संगठन, समाज एवं विभागों के द्वारा बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह 3 बजे से ही पवित्र स्नान करने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। स्नान करने के बाद गंगा जी को भोग लगाकर खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है। पिछले साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। अब मेले में शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। साफ सफाई और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हैं। इस मेले में बड़े बड़े सर्कस, भूत बंगला, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन और बड़े बड़े झूले लगे हैं। लगभग 8 से 10 दिन चलने वाले इस राजकीय मेले में लगा तंबुओं का शहर देखने में बड़ा सुंदर लगता है। एक बार हाय कर दो। कैसा लगता है यहाँ के? बढ़िया लगता है। कब से हो आप यहाँ पे? हो गए 5-6 दिन। 5-6 दिन हो गए। हर साल आते हो? हर साल आते हैं। ये जितने अपने मट्टी के बर्तन लगा रखे हैं, इनका क्या क्या प्राइस होगा? सबका 120 से ऊपर है। 120 से ऊपर, मतलब हर तरह की रेंज में है, नॉर्मल भी और ऊपर भी। मेला प्रशासन के द्वारा एक बड़ा मंच बनाया गया है जहाँ विभिन्न स्कूलों और विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के नाटक, नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार रामायण काल से पहले से तिगरी धाम में गंगा मेले का आयोजन हो रहा है। महाभारत काल से चली आ रही दीपदान की परंपरा आज भी चली आ रही है। 14 की रात्रि में हजारों लोग
दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान करते हैं। दीपदान की रात्रि में ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। अगर आप दिल्ली या मुरादाबाद से मेले में आना चाहते हैं तो गजरोला जंक्शन या काकाठेर रेलवे स्टेशन से मेले में पहुंच सकते हैं। भारतीय रेलवे कई पैसेंजर एवं एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव इन स्टेशनों पर करता है। इन स्टेशनों से आसानी से आपको मेले के लिए ऑटो मिल जाएंगे। रोडवेज भी आसपास के ज़िलों से मेले स्थल तक बसें चलाता है। जी कितने कितने की मूर्ति यहाँ दे रहे हो आप? बैठ जाओ बैठ जाओ। 120 रुपए में 140 रुपए। काटो जाम जी वाले कितने की है? 80 रुपए की। एक बार उठा के हाथ में दिखाओ उसको, ये कितने की है? 60 रुपए की। 60 रुपए की, इससे बड़ी 80 रुपए की आएगी? 80 रुपए की। अच्छा, सबका अलग अलग प्राइस है? अलग अलग प्राइस है। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग दिल्ली से। दिल्ली से? तो यहाँ पे जितनी भी सेल लगी हुई है सबका प्राइस अलग अलग है? सबका अलग अलग प्राइस। कब से आप बड़े हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम पिछले 3 सालों से लगा रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार लगा रहे हो। अब जो आए हो अब कितने टाइम से आए हो? अभी तो हमें 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो कैसा है यहाँ गंगा स्नान का माहौल बड़े भैया? गंगा स्नान का फिलहाल तो अच्छा माहौल है जी। बाकी लोगों में काफी ज्यादा नहाने वाले भी आते हैं। नहीं चल रहा है अभी तक। अच्छा, यहाँ के कैसा लगता है, कैसा फील होता है आप? अच्छा लगता है, बस सर्दी थोड़ी ज्यादा है। सर्दी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। तो ये भाई बड़े भैया की आप देख रहे हो, भैया कपड़ों की सेल लगी हुई है यहाँ, सभी का प्राइस अलग अलग है। तो मेले में लगी कपड़ों की सेल में सबसे महंगा आइटम ये लेडीज वूलन जैकेट है जिसकी कीमत 5000 रुपये है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ रात में भी कस्टमर आ रहे हैं।
फ्रेंड्स, समय अभाव के कारण इस बार टिगरी गंगा मेले में ज़्यादा समय तो नहीं दे पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कोशिश भी आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।